अगर पंचायती राज व्यवस्था से हमारे नए साथियों का जो नियोजन हुआ उसको अगर पंचायती राज व्यवस्था से अलग नहीं होता किया जाता है तो सरकारीकरण संभव नहीं है। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था से अलग करना, वेतन में विसंगति है कि आज प्राथमिक शिक्षक के तुलना में हमारे माध्यमिक के कई शिक्षक हैं जिनका वेतन प्राथमिक से कम हो गया। बेगूसराय में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा मंगलवार को जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उस सांगठनिक अधिवेशन में संघ ने अपने महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आगामी कार्य योजना के रूप में संकल्प लिया कि 2025 में शताब्दी समारोह मनाने से पूर्व राज्य के सभी नए शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कर्मचारियों को पंचायती राज व्यवस्था से मुक्त कर सरकारी कर्मी का दर्जा तदनुसार वेतन एवं सुविधा प्राप्त करने के लिए संवाद एवं संघर्ष को मुकम्मल बनाएंगे, जिसमें नए साल में संघ द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया। संघ के राज्य संयुक्त सचिव डॉ सुरेश प्रसाद राय ने कहा कि 48वीं राज्य अधिवेशन में संघ ने महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आगामी कार्य योजना के रूप में संकल्प लिया है, जिसमें 2025 में शताब्दी समारोह मनाने से पूर्व राज्य के सभी नए शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और कर्मचारियों को पंचायती राज व्यवस्था से मुक्त करने, शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिलवाने और वेतन सुविधा प्राप्त करने के लिए संवाद एवं संघर्ष को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। इस भीषण शीतलहर में शिक्षकों से जातीय जनगणना का कार्य लेने का विरोध करते हुए दक्षता परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित करने की मांग की है। इसके अलावे संयुक्त सचिव ने बताया कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सहित सभी कोटि के विद्यालयों के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पर प्रोन्नति का लाभ, सेवा की निरंतरता 2006 से, पुरानी पेंशन अनुकंपा नीति का क्रियान्वयन और वेतन विसंगति का निराकरण सहित लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाध्यापक के साथ साथ प्रोन्नति से प्रधानाध्यापक बनवाने की मांग नए साल में किया जाएगा। राज्य संयुक्त सचिव ने यह भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सांगठनिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत 22 जनवरी को नामांकन एवं स्क्रूटनी तथा को सभी जनवरी प्रमंडल 30 में सांगठनिक चुनाव के लिए मतदान में राज्य के सभी नए साधारण परिषद भाग लेंगे। बेगूसराय से संजीव कुमार की रिपोर्ट। 48वां राज्य अधिवेशन सीतामढ़ी में 8 जनवरी को संपन्न हुआ और उसके बाद हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की कल बैठक थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि 30 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय सांगठनिक निर्वाचन का कार्य सभी प्रमंडल मुख्यालय में, जो हमारा संघ भवन है, वहां संपन्न कराया जाए। हमारे जितने भी राज्य के सम्मानित साधारण परिषद के माननीय सदस्यगण हैं वो अपने अपने प्रमंडल मुख्यालय में अवस्थित प्रमंडलीय माध्यमिक शिक्षक संघ में जाकर वहाँ निर्धारित कार्यक्रमानुसार अपने मतदान का कार्य संपन्न करेंगे। इससे पूर्व 22 जनवरी को 2023 को जमाल रोड स्थित हमारा जो राज्य शिक्षक संघ है वहाँ नामांकन दाखिल करने का कार्य होगा, स्क्रूटनी का कार्य होगा और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात जो पदवार वैध उम्मीदवार होंगे उनकी नामों की घोषणा 4 बजे शाम में की जाएगी। राज्य अधिवेशन में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कई संकल्प लिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण संकल्प है कि हर हाल में हम अपने नए शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को सरकारीकरण का दर्जा, समान काम के लिए समान वेतन और सुविधा, ये हम दिला कर रहेंगे। दूसरी कि पंचायती राज व्यवस्था में रहना ही मुख्य रूप से बाध्यकारी है, उसको समाप्त करवाएंगे, वेतन विसंगति को समाप्त करवाएंगे और उसके साथ साथ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक के जितने हमारे संघ से जुड़े हुए माध्यमिक शिक्षण संस्थान के सदस्य हैं उनको पुरानी पेंशन नीति पर पुरानी पेंशन अनुकंपा का लाभ दिलाना हमारा संकल्प है। संप्रति एक के समय लगावे और विद्यालय के कार्य से मुक्त करे। अगर वह विद्यालय के कार्य से मुक्त नहीं करता है, करती है सरकार, तो जनगणना का कार्य से मुक्त कर दे। हमारा जो मूल कर्तव्य है अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।